गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं फिर एक बार आप लोगों के बीच में फीटर का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम आपको बताएंगे प्लायर, जिसे प्लास बोलते हैं, और पेचकस, जिसे हम स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज मैं आप आज मैं दो ही चीज आपको बताऊंगा, जिसमें बारीक बारी जो है हम इसके सारे डिटेल में इसमें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, हम बताएंगे पेचकस। पेचकस क्या होता है? जो पेच कस, जो पेच को कसने वाला होता है, उसे हम पेचकस बोलते हैं। ठीक है, पेचकस, ठीक है, पेच को कसने वाला, जिसे हम पेचकस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। परिचय क्या है? परिचय जो पेचकस का परिचय है, क्या है इसका? ठीक है, देखिए आगे इसमें। चलिए, वर्कशॉप में कई कार्य करते समय कारीगर को कई जॉब को बनाने पड़ते हैं। ठीक है, वर्कशॉप में जब हम कार्य करते हैं, तो जो ऐसा कार्य है जो कारीगर जॉब को बनाते हैं, कई कार्य ऐसे भी होते हैं जिनको भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। जो ऐसा भी कार्य होता है जो कि वह आपस में जोड़ने का कार्य होता है, जैसे में किसी भी पेज को खोलने व कसने की आवश्यकता होती है, तो कभी नट बोल्ट को कसने व ढीला करने की करना पड़ता है। इस प्रकार जिस औजार से हम पेज को कसना या ढीला करने का प्रयास करते हैं, उसे पेचकस कहते हैं। ठीक है, जिस औजार से हम पेच को कसने व खोलने की विधि जो औजार प्रयोग में लाते हैं, उसे हम पेचकस बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला हेडिंग क्या है, मटेरियल। ठीक है, मटेरियल, किस मटेरियल का पेचकस बनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए पेचकस, पेचकस की शैंक प्राय टूल स्टील की बनी होती है, और ब्लेड हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ऑफसेट पेचकस को छोड़कर प्राय सभी पेचकस की हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक की बनी होती है। ठीक है, ऑफसेट पेचकस आगे बताएंगे। देखिए पेचकस के बारे में, यही पेचकस है। ठीक है, ये जो पकड़ने वाला होता है, इसे हैंडल कहते हैं। ये हैंडल लकड़ी का बना होता है। ठीक है, इसे हैंडल कहते हैं, और ये बीच वाला जो लंबा सो होता है, यहाँ से यहाँ तक, उसे हम शैंक बोलते हैं। और जो ये लास्ट सिरे पे जो पतला वाला होता है, ठीक है, जो पतला होता है, उसे हम
ब्लेड बोलते हैं। क्या? ब्लेड, जिससे हम पेच, जो पेच होता है उसको कसने व खोलने का कार्य किया जाता है। ठीक है, ओके। ब्लेड, जो पेच होता है, जो स्क्रू होता है, उसको इसी से हम खोलते हैं और कसते भी हैं। ठीक है, तो यह टूल स्टील का बनाया जाता है। इसका जो शैंक है टूल स्टील का बनाया जाता है, और ये जो ब्लेड है इसकी, उस ब्लेड को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेचकस स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, तो देखिएगा स्क्रू ड्राइवर में, स्क्रू ड्राइवर के अब कितने प्रकार से, कितने प्रकार के स्क्रू ड्राइवर होते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम देख लेंगे प्रकार, उसके बाद एक एक करके बारी बारी से समझेंगे कौन सा प्लायर, कौन सा पेचकस कहाँ प्रयोग होता है और कौन सा प्लायर कहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। नंबर एक, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। नंबर दो, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। नंबर तीन, रैचेट स्क्रू ड्राइवर। और नंबर चार, मैगजीन स्क्रू ड्राइवर। नंबर पाँच, वॉचमेकर स्क्रू ड्राइवर। और नंबर छः, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, तो ये छह प्रकार के स्क्रू ड्राइवर होते हैं, जो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के स्क्रू ड्राइवर प्रयोग होते हैं। तो हम देखेंगे एक एक करके कि किस कार्य में कौन सा पेचकस प्रयोग में आता है। तो सबसे पहला नंबर एक है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे एक एक स्टैंडर्ड पेचकस बनाने के लिए एक कार्बन हाई स्टील की छड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड इस पेचकस को बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील की छड़ का प्रयोग किया जाता है, जिसके एक सिरे पर हैंडल होता है, जो कि लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, जो स्क्रू ड्राइवर है उसके जो हैंडल होते हैं लकड़ी या प्लास्टिक के लगे होते हैं, और दूसरे सिरे को ब्लेड करके टेम्पर कर दिया जाता है। और पेचकस का चुनाव स्क्रू हेड में बने स्लॉट को, स्लॉट की चौड़ाई से लिया जाता है। जैसे में जो स्क्रू होता है, जो उसका स्लॉट होता है, ठीक है, तो उसी आकार जो स्लॉट होता है, बड़े छोटे जो स्लॉट होते हैं, हम उसी के आकार को देखकर हम स्क्रू ड्राइवर का चयन करते हैं। ठीक है, तो पेचकस का ब्लेड स्लॉट में ढीला नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड पेचकस छोटे व बड़े साइजों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, यही है स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, चलिए अब अगला हेडिंग, दूसरे जो स्क्रू ड्राइवर के प्रकार हैं वह है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, तो देखेंगे फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर के बारे में कहां कहां प्रयोग होता है। ठीक है, तो
देखेंगे बारी बारी से। तो दूसरा नंबर है फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। तो यह पेशकश हम इसमें पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर के बारे में देखेंगे। फिलिप्स पेशकश वाले स्लॉट के स्थान पर एक क्रॉस होता है, ठीक है। इस क्रॉस में बैठने के लिए एक चार मुंह वाला पेशकश प्रयोग में लाया जाता है, जैसे जो 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 होता है पेशकश जो होता है वह जो प्लस टाइप का होता है, वह जैसे जो स्क्रू होते हैं उसको खोलने का जो पेच होता है, जो स्लॉट होता है स्क्रू का, उसमें प्लस का निशान होता है। तो उस पेच को खोलने के लिए हम फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए और इस क्रॉस में बैठने के लिए चार मुंह वाला पेशकश प्रयोग में लिया जाता है। इस फिलिप्स इसे फिलिप्स पेशकश कहते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रू हेड में क्रॉस वाले साइज में छह साइजों में होते हैं, ठीक है। ये जो स्क्रू हेड वाले जो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होते हैं वह छह साइजों में पाए जाते हैं, ठीक है। 0 से 3 और 2 से 1/3 तथा 303 तंग स्थानों पर प्रयोग एवं साधारण पेशकश कार्यों में कार्य नहीं करता है, ठीक है। और वहां पर ऑफसेट पेशकश का प्रयोग किया जाता है। इसके दोनों सिरे पर ब्लेड करके एक दूसरे के विपरीत में 90 डिग्री के कोण पर मोड़ देते हैं, ठीक है। यह तंग जगहों पर जहां घुमाने का स्थान नहीं होता है और दोनों सिरे को बारी बारी से प्रयोग किया जाता है। जो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है उसको तंग स्थानों पर हम इसको प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर है रैचेट स्क्रू ड्राइवर। क्या है रैचेट स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। पेशकश को घुमाते समय इसका ब्लेड स्क्रू से कभी कभी निकल जाता है, ठीक है, और उसे बार बार स्लॉट में सेट करने पड़ते हैं, ठीक है। जो पेचकस होते हैं वह स्क्रू में हम फंसा के खोलते हैं तो उसको बार बार वह स्लॉट से निकल जाता है, ठीक है। तो उसको सेट करने पड़ते हैं, ठीक है। इस समस्या को हल करने के लिए पेचकस में रैचेट लगा दिया जाता है।
जो रैचेट होता है एक बार लगाने से जब तक वह स्क्रू नहीं खुल जाता तब तक वह स्क्रू के स्लॉट से नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। यह दिशा परिवर्तन रैचेट लगाया जाता है, इसमें एक बटन जिसको शिफ्टर कहते हैं। यह दिशा परिवर्तन करने पर बदलना नहीं पड़ता है। हत्थे को आगे पीछे घुमाने पर पेचकस एक ही दिशा में चलती है। इसका दूसरा लाभ यह है कि जब हैंडल को नीचे दबाते हैं तो पेचकस अपने आप तेजी से घूमने लगता है। ठीक है, जब हम ऊपर से दबाव देकर हैंडल को घुमाएंगे तो नीचे जो स्लॉट में लगा होता है पेचकस उसको हम तेजी से घूमने लगता है। ठीक है, चलिए अब अगला हेडिंग है मैगजीन स्क्रू ड्राइवर। क्या है? मैगजीन स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। इस पेचकस के बिना हैंडल सॉकेट में चार विभिन्न साइजों के ब्लेड होते हैं और हैंडल में एक लॉकेट लगा होता है। ठीक है, जिसमें आवश्यकता अनुसार ब्लेड फिट करके कार्य किया जाता है। ठीक है, पेचकस मजबूती से कमजोर होते हैं, इसके जो ब्लेड हैं पेचकस के यह मजबूती में कम होते हैं। ठीक है, यह मैगजीन स्क्रू ड्राइवर यह कम प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, और अगला देखेंगे हेडिंग है वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, वॉच मेकर जो घड़ी बनाने वाले जो मेकर जो कारीगर होते हैं उसे हम वॉच मेकर कहते हैं। तो वॉच मेकर जो पेचकस है देखेंगे हम, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे हम। ठीक है, ये पेचकस हाई कार्बन स्टील की बहुत छोटे साइजों में होते हैं। ये जो पेचकस है यह बहुत छोटे साइज के हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इनकी बॉडी पर नर्लिंग की गई होती है। किसी पेचकस में जैसे उसका जो पकड़ने वाला हैंडल होता है देखेंगे जो घड़ी बनाते हैं छोटा सा पेचकस उसका होता है। तो उसका जो पकड़ने वाला जो हैंडल होता है उसमें हल्की हल्की लाइनिंग खींची हुई होती है। जिसमें हल्की हल्की लाइनिंग होती है उसे हम नर्लिंग कहते हैं। नर्लिंग इसलिए होता है वह पकड़ को मजबूत बनाता है। ठीक है, वह जो पकड़ को मजबूत बनाता है और जो फिसले ना हाथ से। ठीक है, ठीक, तो हम इसलिए हम
उसे नरलिंग कहते हैं। ठीक है, तथा तथा ऊपर से प्रेशर डालने के लिए उंगली को टिकाने के लिए एक एक फिट वॉशर लगा होता है, 6 स्क्रू ड्राइवर लगाए जाते हैं। ठीक है, 6 स्क्रू ड्राइवर लगाया जाता है और 6 सेटों में पाए जाते हैं। ठीक है, 0 से 5 नंबर तक आता है। स्क्रू ड्राइवर 5 नंबर वाला सबसे बड़ा होता है। ये घड़ी साज में अधिक प्रयोग किए जाते हैं। जो घड़ी बनाने वाले होते हैं वह वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। वर्कशॉप में छोटे इंस्ट्रूमेंट आदि की रिपेयरिंग में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो वर्कशॉप में छोटे छोटे कार्य होते हैं, छोटे छोटे जो नट होते हैं उसको खोलने के लिए हम ये वॉचमेकर स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया वॉचमेकर। अब अगला हेडिंग जो है हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, जो भारी कार्यों के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं वह देखिए। इसमें देखिए क्या है, इस प्रकार के पेचकस की सैंक प्रायः चौकोर आकार की होती है। जो सैंक बताए हैं जो लंबा वाला होता है उसे सैंक बोलते हैं, और उसे आगे से चपटा कर दिया जाता है। ठीक है, यह पेचकस दूसरे पेचकस की अपेक्षा बड़े साइजों का होता है। इसका अधिकतर प्रयोग बड़े कार्यों के लिए किया जाता है। जो हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर होता है इसका अधिकतर प्रयोग बड़े कार्यों में लाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम एक छोटी सी परिभाषा जो स्क्रू ड्राइवर की है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है जो अलग प्रकार से दी गई है उसके बारे में जानकारी हम देखते हैं। ठीक है, चलिए पेचकस की परिभाषा देखिए। इसमें ऐसे पेचकस का उपयोग जहां पर अधिक बल पूर्वक कसने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, स्क्रू के हेड में एक स्लॉट बना लिया जाता है। इस स्लॉट में पेचकस के ब्लेड को फंसा दिया जाता है। इस स्लॉट में पेचकस के ब्लेड फंसा कर आसानी से कसा जाता है, क्योंकि यह टूल्स पेच को कसने व खोलने के काम में आता है, इसलिए इसे पेचकस बोलते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका पेचकस। पेचकस के बारे में बता दिए हैं, उसके मटेरियल, उसके भाग, सारे चीज पेचकस में एक भी नहीं छूटा है, सारा चीज बता चुके हैं। तो ये पेचकस आपका जो स्क्रू ड्राइवर है वह खत्म है। मैं अगला चैप्टर पढ़ाएंगे प्लायर। ठीक है, क्या है प्लायर, स्क्रू ड्राइवर के बाद प्लायर। प्लायर क्या होता है, प्लायर किसे कहते हैं, प्लास को। ठीक है, दिखाते हैं, ये प्लास है, इसी को हम प्लायर कहते हैं। आईटीआई भाषा में हम इसे प्लायर कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में, ये प्लायर कैसे प्रयोग होता है, कहाँ प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए प्लायर, प्लायर में देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है,
तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे प्लास वह जाब है जो छोटे छोटे जाब वस्तुओं को पकड़ने काटने व मोड़ने के काम में आता है। ठीक है, ये जो प्लास है यह इलेक्ट्रीशियन का मुख्य औजार है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का मुख्य औजार है प्लास, जिसे हम प्लायर कहते हैं, और फीटर का मुख्य औजार क्या है, फाइल, जिसे रेती कहते हैं। ठीक है, तो प्लास जो इसका कार्य है वह पकड़ने काटने व मोड़ने के काम में आता है। ठीक है, यह मुख्यतः ढलवा इस्पात के बनाए जाते हैं, जो मटेरियल के बनाए जाते हैं उसे ढलवा इस्पात कहते हैं। इसके मुख्य तीन भाग हैं। ठीक है, हत्था जिसे हम पकड़ते हैं, रिवेट जो दोनों भागों को जोड़ता है, और जबड़ा जो किसी वस्तु को पकड़ता है, मोड़ता है, काटता है। ठीक है, इसके मुख्य भाग होते हैं। इसके साइज, इसकी साइज इसकी लंबाई से प्रकट की जाती है। जो प्लायर की पूरी लंबाई होती है वही प्लायर की लंबाई कही जाती है। ठीक है, चलिए, काम एवं आकार के अनुसार ये कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो काम है, जो जिस अलग अलग कार्यों में अलग अलग प्रकार के प्लायर का प्रयोग होता है, जिसे मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। तो सबसे पहला नंबर कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर। नंबर दो लॉन्ग नोज प्लायर, और नंबर तीन डायगोनल प्लायर, नंबर चार स्लिप जॉइंट प्लायर, नंबर पांच पिंसर प्लायर, नंबर छह मल्टी ग्रिप प्लायर। ठीक है, तो ये छह प्रकार के प्लायर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम बताए हैं ये प्लास जो प्लायर हैं वह किसी वस्तु को पकड़ने खोलने व मोड़ने के प्रयोग में लाया जाता है। यह ढलवा लोहे, ढलवा इस्पात के बनाए जाते हैं, और इसके तीन भाग होते हैं। ठीक है, जो हत्था, रिवेट, जबड़ा कहते हैं, और प्रकार इसके बता दिए हैं। तो प्रकार में नंबर एक है कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है, क्या है कॉम्बिनेशन प्लायर, तो एक एक करके इस प्लायर को देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन प्लायर देखते हैं, इसे चपटी नाक प्लायर अथवा लाइन मैन साइड कटिंग प्लायर भी कहते हैं। ठीक है, जो लाइन मैन प्रयोग करते हैं प्लायर उसे कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं, और इसका अलग नाम है। ठीक है, और इसका अलग नाम साइड कटिंग प्लायर कहते हैं। ठीक है, इसके दोनों जबड़े के बीच में कटिंग धार बनी होती है। जो जबड़ा होता है, देखिए दिखाते हैं, ये जो जबड़ा इसका है, इसको बोलते हैं जबड़ा। इसमें ये और ये वाला जो भाग है इसको कटिंग वाला भाग बोलते हैं, और ये वाला जो भाग है बीच वाला इसकी और पाइप ग्रिप बोलते हैं। ठीक है, इसको पकड़ते हैं। ठीक है, ये जो इसकी भाग है इसको जा बोलते हैं, और
इसको जो ये बीच वाला एक भाग ये भाग जो जोड़ने का काम करता है उसे रिविट कहते हैं, और ये हत्था हो गया जो हैंडल जो पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है, जो पकड़ कर प्रयोग करते हैं, चाहे काटने का हो, चाहे पकड़ने का हो, चाहे मोड़ने का हो, चाहे जो कार्य हो प्लायर का, हम हैंडल से हैंडल को पकड़ कर प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसके बीच में कटिंग धार बनी होती है जिससे तार को काटा जाता है। तार को काटने के लिए हम प्लायर का प्रयोग करते हैं, जो लाइनमैन अधिकतर प्रयोग करते हैं। इससे पतले तार को पकड़ा मोड़ा व काटा जाता है। बिजली विभाग में प्रयोग होने वाले प्लास के हत्थे पर रबर का एक कवर चढ़ा रहता है, जो लाइनमैन इसका विशेष इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो कवर है ये तो लोखन का है, ये जो कवर है इसके ऊपर चढ़ा है उससे स्लीव बोलते हैं, ठीक है। इसलिए कवर चढ़ाते हैं जब लाइनमैन प्रयोग करते हैं लाइट का, जो वायर को काटने का, छिलने का, मुड़ने का, तो इसमें जो लाइन जो करंट है वह हमको करंट न लगे, इसलिए हम इस पर प्लास्टिक के कवर लगा देते हैं, ठीक है। ये देखिए प्लास्टिक के कवर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन प्लायर। अब हम देखेंगे अगला लॉन्ग नोज प्लायर, ठीक है। क्या है लॉन्ग नोज प्लायर? चलिए लॉन्ग नोज प्लायर में देखेंगे। इस प्रकार के प्लास के जबड़े लंबे और आगे से नुकीले होते हैं, ठीक है। ये जो प्लायर है एकदम लंबा, जो उसका जबड़ा होता है वह लंबा होता है और नुकीला भी होता है, ठीक है। इसका प्रयोग प्रायः उन तंग स्थानों पर छोटे छोटे हिस्सों को पकड़ने व निकालने में किया जाता है, ठीक है। जैसे में कॉम्बिनेशन प्लायर का जहां उपयोग नहीं हो पाता है, जो स्थान कम पड़ता है, तो वहां पर हम ये लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जहां पर दूसरे प्लायर के जबड़े घुमा नहीं जा सकता, मान लीजिए जो और प्लायर है कॉम्बिनेशन प्लायर में अगर मैं नहीं घूम रहा है, तो वहां पर हम लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। बिजली एवं रेडियो मैकेनिक इसे अधिक प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके जबड़े में भी कर्तन धार बनी होती है जिससे तार को काटा जा सकता है। जो कटिंग वाला भाग है प्लायर में, वो लॉन्ग नोज प्लायर में भी होता है, ठीक है। जो तार को काटना व मोड़ने का कार्य होता है, ठीक है। अगला हेडिंग हम देखेंगे डायगोनल प्लायर। क्या है डायगोनल प्लायर, ठीक है। तो अगला हेडिंग डायगोनल प्लायर। इस प्रकार के प्लास का प्रयोग प्राय बिजली मैकेनिक द्वारा बिजली के तारों को काटने व छीलने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये जो प्लायर है यह बिजली मैकेनिक के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जो तार को
काटने व छिलने के प्रयोग में लाते हैं। इसमें पकड़ने वाला जबड़ा नहीं होता है, इसे वायर कटर प्लायर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो प्लायर है डायगोनल प्लायर, ये प्लायर सिर्फ वायर को काटने व छिलने के प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, इसमें पकड़ने वाला जो स्थान है, जो भाग है, वह नहीं होता है। ठीक है, तो अगला हेडिंग है स्लिप जॉइंट प्लायर। ठीक है, क्या है स्लिप जॉइंट प्लायर? ठीक, आइए देखते हैं स्लिप जॉइंट प्लायर में। इस प्लास के जबड़े को स्लिप से जोड़ की सहायता से अधिक चौड़ाई में खोला जाता है। ये जो प्लायर है स्लिप जॉइंट, जिसके जबड़े जो अधिक चौड़ाई में खुलते हैं, ठीक है, और एक एक से अधिक साइज के लिए सेट करके हम छोटे बड़े साइज के कार्यों में, छोटे बड़े साइज के कार्यों को पकड़ने का कार्य किया जाता है। ठीक है, ये जो स्क्रू ड्राइवर है, इससे हम छोटे बड़े साइज के कार्यों को पकड़ने व खोलने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, इसके जबड़े में कर्तन धार भी नहीं होती है। ठीक है, जो कर्तन धार में जो काटता है वह वाला उस वह भाग इसमें नहीं प्रयोग होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसके जबड़े में कर्तन धार नहीं होता है। ठीक है, जिसमें तार को पकड़ना और काटने का प्रयोग होता है। इस प्लास का मुख चपटा होता है, जो उसका मुख है वह चपटा होता है। ठीक है, अतः इसको चपटे जाब को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो चपटा वाला भाग होता है उससे हम चपटे वाले वस्तु को पकड़ते हैं। ठीक है, इसके जबड़े के सतह पर, सतह के बीच में गोल आकार का होता है। ठीक है, इसके जो जबड़े होते हैं उसके बीच में जो सतह होता है, जो खाली वाला स्थान होता है, वह गोल होता है, जिस पर दांते बने होते हैं। ठीक है, अतः इस हिस्से में गोल जाब को मजबूती से पकड़ा जाता है। जो यह जाब है गोल वाला, उसको पकड़ने के लिए हम स्लिप जॉइंट प्लायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया स्लिप जॉइंट प्लायर। ठीक है, अब हम अगला हेडिंग हम देखेंगे क्या है, पिंसर प्लायर। ठीक है, ये जो पिंसर प्लायर है, ठीक है, जो अगला हेडिंग है क्या है, पिंसर प्लायर। ठीक है, चलिए इसके दोनों जबड़े गोलाई में थोड़े से अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। ठीक है, ये जो पिंसर प्लायर है, इसके जो जबड़े हैं यह गोलाई में अंदर की तरफ मुड़ी होती है। इसके एक टांगे पीछे से चपटी होती है। ठीक है, जो टांगे हैं यह टांगे पीछे से चपटी होती है।
और खांचा रखती है, जिसके किल के सिरे को ऊपर उठाता है। एक प्रकार से समझ लीजिए, यह प्लायर जो किल होता है, जो खिला होता है, जब हम किसी दीवार या लकड़ी में ठोकते हैं उस खिले को, वह मुड़ जाता है। उसे निकालने के लिए हम पिंसर प्लायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके इसका उपयोग लकड़ी से किल निकालने के लिए किया जाता है। इसे जंबूर भी कहते हैं, ठीक है, इसे जंबूर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिंसर प्लायर, जो किसी लकड़ी या दीवार में हम लकड़ी या दीवार में हम प्रयोग करते हैं, लकड़ी या दीवार में जो खीले को हम ठोकते समय अगर में वह टेढ़ा और मुड़ गया, तो हम उसको निकालने के लिए पिंसर प्लायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला हेडिंग है मल्टी ग्रिप प्लायर, ठीक है। क्या है मल्टी ग्रिप प्लायर, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग मल्टी ग्रिप प्लायर। इसमें देखते हैं, इसे पानी के पाइप का प्लास भी कहते हैं, जिसे 0 से 50 mm के बीच में 7 साइजों में सेट करके बना होता है, ठीक है। तो ये जो प्लायर है, यह 0 से 50 mm के बीच में 7 साइजों में होता है, जो वह अलग अलग छोटे छोटे कार्यों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। तो हम आज आप लोगों को 2 चैप्टर यानी कि स्क्रू ड्राइवर और प्लायर का प्रयोग, प्रकार, मटेरियल, भाग, जो अलग अलग प्रकार के दोनों चैप्टर को अलग अलग पढ़ाएं वह बताए हैं, ठीक है। जिसमें सारे भाग को हम बता चुके हैं, आप लोग इसको रिवीजन करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ठीक है। और इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये जो दोनों चैप्टर हैं, प्लायर और स्क्रू ड्राइवर, इसको जरूर पढ़ के, इसको रिवीजन करके कमेंट करिएगा। अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक जरूर करिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।